प्रिपेयर हो गया, अब बढ़ते हैं हम फर्दर रेसिपीज की तरफ। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, मलाई मसूर बन चुका है और बटर पराठा और आलू पराठा। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट ऑफ इट। ये मैंने बहुत सारा मिक्स रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने रेगुलर फ्लोर लिया है 2 कप्स। मैंने इस बोल से मेज़र किया हुआ है और जब हम 2 पराठे बनाएंगे तो उसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। पहली रेसिपी मैं आपको बटर पराठे की बताती हूँ, तो जिसमें हमें चाहिए ये रेगुलर फ्लोर 1 कप, उसमें मुझे चाहिए ये शुगर, ये बेकिंग सोडा एंड साल्ट। एंड बटर पराठा है तो ऑब्वियस ही बात है, बटर तो ज़रूर ही चाहिए। और ठीक है, बटर पराठा डन। अब हम बनाते हैं आलू का पराठा, माय मोस्ट फेवरेट। तो उसके लिए भी सेम मुझे ये रेगुलर आटा चाहिए रहेगा 1 बोल, आलू चाहिए रहेगा, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई मिर्च एंड वन मैं एक चीज़ भूल गई, बटर पराठे में हमको ये अजवाइन भी चाहिए रहेगी। सॉरी मैं भूल गई, लेकिन जब मैं डालूँगी तब आपको फिर से दिखाती हूँ। तो मैं कहाँ थी, यहाँ तक हम हो चुके थे। अब हमें चाहिए ज़ीरा, हींग, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च एंड देन आमचूर पाउडर, घी एंड ऑयल। तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। चलिए अब बनाते हैं हम डो। तो पहले हम बटर पराठा बनाने जा रहे हैं। ये हमने 1 कप ये क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही है, हम इसमें बढ़ा भी सकते हैं। इसमें हम डालेंगे ये 1/4 teaspoon अजवाइन। इसमें अब अजवाइन ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डाले वरना स्किप भी कर सकते हैं आप। अब इसमें जाएगा ये शुगर मैंने 1/2 teaspoon लिया हुआ था। इसमें जाएगा ये 1/4 teaspoon बेकिंग पाउडर और इसमें जाएगा हमारा हीरो इंग्रेडिएंट, जो हमारे चैनल का नाम है, नमक स्वाद अनुसार। हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। इसमें जाएगा ये 1 tablespoon ऑयल। हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है। ये मेरी प्यारी प्यारी रिंग्स हैं, इसे मैं उतार देती हूँ वरना ये ख़राब हो जाएंगी। अब हमें इसका डो बना लेना है। ये डो ना ही हमें बहुत ज़्यादा टाइट बनाना है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब मीडियम रहना चाहिए। तो ये देखिए मैंने डो बना लिया है, ये ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आपको भी इसी तरीके का एक डो तैयार करना है। तो ये रेडी है हमारा डो बटर पराठे का। अब हम बनाते हैं आलू पराठे का डो। आलू पराठे के लिए भी हमें सेम बोल से मैंने मेज़र करा हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आटा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा डो ज़्यादा ही चाहिए हो, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की स्टफिंग करेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डो ज़्यादा चाहिए रहेगा। अब इसमें जाएगा अजवाइन, ये इसमें भी ऑप्शनल ही है, जिसे इसका टेस्ट पसंद है वो डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़ीरा, काली मिर्च, अजवाइन, यहाँ पे मैंने थोड़ी ज़्यादा अजवाइन ले ली है, लेकिन आप इसमें नहीं, इसे अजवाइन सॉरी मैंने इसे अजवाइन बोल दिया। हींग है, ये हींग मैंने यहाँ पे इस प्लेट में थोड़ी सी ज़्यादा ली, लेकिन इस डो में हम 1/4 teaspoon हींग यूज़ करेंगे। और ये है चिली पाउडर, जैसा कि मैंने आपको पहले मलाई मसूर में भी बताया था कि मेरी बहन को तीखा बिल्कुल नहीं पसंद है, इसमें इसीलिए मैं इसमें भी थोड़ा ही तीखा डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं।
अब इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। शायद मेरे डो में थोड़ा ज़्यादा नमक गिर गया है, तो हम अपनी स्टफिंग में थोड़ा सा नमक कम कर देंगे। इसमें जाएगा आमचूर पाउडर एंड 1 फुल स्पून ऑफ ऑयल। अब इसका भी हम एक डो तैयार कर लेंगे। ये मैंने यहीं पे रख दिया, इसे हम 5 to 10 minutes के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इसमें आप कोई गीला कपड़ा करके ढक दीजिएगा, वरना ये ऊपर से हार्ड हो जाएगा। तो आइए हम इसका एक डो तैयार करते हैं। जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि आलू का पराठा मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। एक्चुअली मुझे आलू का पराठा वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद। तो ये आलू के पराठे का भी डो रेडी हो चुका है। चलिए अब हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 5 to 10 minutes रेस्ट पे छोड़ देंगे। तैयार करते हैं आलू की स्टफिंग। तो मैंने लिए हैं ये 3 आलू, मीडियम साइज़ है। इसमें जाएगी ग्रीन चिलीज, ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो नहीं डाल सकते हैं। इसमें जाएगा हमारा ये आमचूर पाउडर, 1/2 teaspoon है ये। और इसमें जाएगा ये बारीक कटा हुआ प्याज, और इसमें हम डालेंगे ये 1/2 teaspoon ऑयल, और इसमें ये डालेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे डो में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, तो हम इस स्टफिंग में नमक कम कर देंगे। तो ये रेडी हो चुका है हमारा आलू की स्टफिंग। अब हम इसे अलग कर लेते हैं। तो रेडी हो चुका है हमारा डो, हमारी फिलिंग। तो ये रेडी हो चुका है हमारा बटर पराठे का डो, ये हो चुकी है आलू स्टफिंग, एंड ये है आलू पराठे का डो। तो चलिए अब हम बनाते हैं पराठे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बटर पराठा। तो हमें अपने टेबल टॉप पे थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर लेना है। बटर पराठा बनाएंगे, इसे हमें रोल आउट कर लेना है। फिलहाल आज तो बहुत ज़्यादा बटरी बटरी हो रहा है, मलाई, बटर, ऑयल, लेकिन कोई नहीं, आज हम ये सब खाएंगे। अब हमने इसे रोल आउट कर लिया, और इस तरह पूरा यहाँ से नहीं काटेंगे, बीच बीच में इसमें हम कट्स लगाएंगे इस तरह। अब ये मैंने कट्स लगा लिए, अब मैं इसे इस तरह रोल करूँगी। अब ये रोल हो चुका है, अब हम इसे इस तरह रोल करेंगे। को इस तरीके से वापस से रोल आउट करेंगे। इसमें मैं लेयर्स देख सकती हूँ, और ये मैंने पहले से ही तवा ऑन कर दिया था, अब ये गर्म हो चुका है। तो अभी मैं एक ही एक दोनों पराठों का सिर्फ एक एक पराठा बना के दिखाऊंगी, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बाकी जब भूख लगेगी सबको तब मैं बनाऊंगी। मैं इसको पलट लेती हूँ, आप भी इसमें ये लेयर्स देख सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी द लेयर्स। तो अब आया है हमारा बटर पराठे का मेन इंग्रेडिएंट, बटर। अब हम इसको, आउच, गरम है,
इधर भी हम मेल्ट, सॉरी मेल्ट नहीं, इधर भी हम बटर लगाएंगे। जब तक ये हमारा बटर पराठा सिक रहा है तब तक हम आलू के पराठे बना लेते हैं। अब हम इसमें आलू स्टफ़ करेंगे। क्या पराठा लग रहा है, इसे हम प्रॉपर दूसरी तरीके से भी, दूसरी तरफ से भी सिक जाने देंगे। तब तक हम आलू की स्टफिंग कर लेते हैं। इसे भी हम रोल आउट कर लेंगे। ये हमारा बटर पराठा सिक चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बस पकना बाकी है साइड से। ये भी हमारा रोल आउट हो चुका है, क्योंकि मुझे आलू का पराठा थोड़ा पतला पसंद है। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा दिख रहा है। अब हम इसको बाहर कर लेते हैं, और अब इस पे जाएगा ये हमारा आलू का पराठा। दोनों के एक एक पराठे बना लिए हैं। बटर पराठा हमारा रेडी है और आलू का पराठा हमारा पक रहा है। बाकी पराठे हम बाद में बनाएंगे। एक तरफ से सिक चुका है। मुझे आलू का पराठा घी से पसंद है। अगर आपको घी पसंद है तब आप घी लगाएं, वरना आप ऑयल भी स्प्रेड कर सकते हैं। हम दूसरी तरफ भी ये घी स्प्रेड कर लेंगे। फाइनली हमारा आलू का पराठा भी रेडी हो गया है। चलिए, इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। फाइनली मलाई मशहूर बटर पराठा, आलू का पराठा रेडी है। और ये है लड़की जिसने इन सब की फरमाइश की थी। तो शैली, ये रेडी है, तो टेस्ट करो। कैसा लगा? चलो चलो, अब मैं भी एक बाइट लेती हूँ। बहुत देर से सबर करे हुई थी। मुंह में एकदम मेल्ट हो रहा है। अब हम ट्राई करेंगे आलू का पराठा। बहुत ज़्यादा यम बना है। मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए, तब तक तुम इसे खाओ। तो बन चुका है हमारा मलाई मसूर बटर पराठा, आलू का पराठा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे पर्सनली ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद थी और आज भी बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसे पहले बनती थी। तो तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, और आप हमेशा खुश रहें, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार।